ये निःशुल्क योग शिविर सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद आज हम सभी बलदेव साहू डीएवी पब्लिक स्कूल के सभागार में छठवें दिन समापन समारोह जहां आरोग्य यज्ञ का प्रारंभ करने वाले हैं और आप तमाम भाई बहनों से सादर निवेदन है कि हम सभी आंखें बंद मन शांत करके योग शिविर को शुरू करने के पहले योग ऋषि सत्य गुरुवर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमन करते हुए उनकी सूक्ष्म उपस्थिति का आह्वान करते हैं। तीन बार लंबा गया साधु के साथ प्रणव की आराधना
सांसों पे ध्यान को टिकाते हुए आप सभी गुर्जर हैं, आपके ऊपर असंख्य बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। इस जिले के जब से विद्यालय है या जब से आप शिक्षण का अपने हाथों में ले रखा है, लंबा गहरा सांसों पर ध्यान टिकाते हुए हमें अपने विचारों को भौतिक प्रवाह में न बहाकर आध्यात्मिक तरंगों के साथ जोड़ने का सहज संकल्प लेते हुए हे परमात्मा, हे परम पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती, सभा के पिछले कई जन्मों का हम इस विद्यालय में पदस्थापित हैं और वैसे बच्चों का भविष्य निर्माण का कार्य हमारे ऊपर है जिनके माँ बाप पूरी तन्मयता पूरी पवित्रता के साथ आपके हाथों में दे रखा है। इसलिए आज हम चाहेंगे कि हम अपने गुरु परंपरा का निर्माण करते हुए लाखों जन्मों में सब संयोग बनता है तो कोई व्यक्ति गुरु बनता है। आप सभी गुरु के साक्षात स्वरूप हैं, आप सभी परमात्मा के स्वरूप हैं। मैं चाहूंगा कि आप समाज के 10 नियमों का पालन करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए शुद्धता का हारी जीवन, नशा मुक्त जीवन, यही है दयानंद, यही है स्वामी विवेकानंद, यही है माँ भारती, यही है भगवान कृष्ण बुद्ध, यही है भारत की करोड़ों वर्ष पुरानी सनातन परंपरा का संदेश जिसे हम आज धारण करेंगे। और कल से हमारी संस्कृति रही है कि देश के सभी पंथों का सम्मान करने का, कल से अंग्रेजी वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। हम उस शक्ति सामंती को नमन करते हैं और उन्होंने भी भारत की प्राचीन विधा को अपना करके, योग को अपना करके प्रेम करुणा दया सेवा और परोपकार जैसे अमृत तत्व को अपने जीवन में उतार करके पूरे संसार को अपने सूत्र में पिरोने का काम किया। इसलिए आज ही हम संकल्प लें, यह विद्यालय का ऐतिहासिक क्षण है कि आज 31 दिसंबर है और आज हम संकल्पित हो रहे हैं कि कल से अपने भारत की परंपराओं को अपना करके और नई चेतना के साथ, नए उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को दूसरों के सामने समर्पित करेंगे। अब धीरे धीरे आंखों को खोलते और महसूस करिए कि मैंने जो संकल्प किया वह संकल्प हमारे जीवन में उतर गया। अब अगला प्रयास करते हैं कपाल भाती का, झटके से नाक के साथ रुबा देखना। अब संकल्प लेने के बाद भी कुछ विचार